हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वर्षा, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज है सेकंड डे, मतलब दिवाली का, और सेलिब्रेशन तो क्या बोले, वेदर ने ऑलरेडी सब डाउन करके रखा है और साथ में आज तो करंट ने भी थोड़ा डाउन कर दिया है। एक्चुअली कल ज़्यादा बारिश होने के कारण थोड़ा सा कनेक्शन वगैरह बहुत जगह से टूट गया है, इसीलिए करंट नहीं है। और ये तो फ़िलहाल इन्वर्टर चल रहा है, लेकिन करंट आना जाना कर रहा है। बीच बीच में आता है तो लाइट्स वगैरह जलता है, फिर कनेक्शन चला जाता है, ऐसे ही चल रहा है। तो खैर, आज ये व्लॉग मैं सुबह से नहीं बल्कि इवनिंग भी नहीं बल्कि रात से स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट मतलब एक्चुअली कुछ है नहीं ऐसे कुछ खास करने को, बस सोचा एक छोटा सा वीडियो कर लेते हैं, आप लोग से मिलने का भी बहाना एक हो जाएगा। और मैं अभी बहुत दिनों बाद फिर किचन में, मतलब थोड़ा सा कुछ एक बनाने को जा रही हूँ। चिकन एक ट्राई करूँगी बनाने के लिए, पता नहीं, मैं तो जब भी बनाती हूँ हस्बैंड कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है हस्बैंड को। सो अभी चिकन बनाने को जा रही हूँ। और घर में फ़िलहाल तो है नहीं, मदर इन लॉ नहीं है अभी। जहाँ कल पूजा हुआ था यहाँ पे, काली पूजा, वहाँ पे आज थोड़ा सा कुछ चल रहा है फंक्शन टाइप का, तो वहीं पे है, हस्बैंड भी वहीं है, मम्मी भी वहीं पे है। तो मैंने सोचा चलो तो आज चिकन खाते हैं, कल तो ऐसा हुआ नहीं, कल वेज था हमारा। तो फिर चलिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एक्चुअली आजकल क्या होता है गाइस, मैं ज़्यादा मतलब बात नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सा बात करने से मेरा मतलब बहुत ज़्यादा सांस मतलब बढ़ जाता है। और ये तो आपने देखा ही होगा, बैक साइड का व्यू मेरा कुछ हालत सही नहीं है, बिस्तर का भी मतलब इतना करने का मतलब नहीं बन पाता है। और वैसे ब्लैंकेट भी निकाल लिया है, ठंडा थोड़ा ऑलरेडी गिर चुका है बारिश के कारण। सो इवन कैमरा पकड़ने के लिए भी थोड़ा हाथ हिल रहा है मेरा। तो ठीक है, चलिए गाइस बने रहिए वीडियो पे एंड तक, शायद आप लोगों को अच्छा लगे, और लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए फिर, चिकन को धो लिया है, बस थोड़ा सा चिकन लाई हूँ हम दोनों के लिए, और यहाँ पे सब चॉप कर लिया है। सो अभी मैं तैयार करती हूँ। चिकन अभी बन रहा है और मैं इसको बनाते बनाते ही टायर्ड हो गई हूँ, तो ऑलरेडी अभी थोड़ा लेट भी हो गया, मैं थोड़ा लेट से आई थी किचन पे, अभी हो जाएगा तो उसके बाद खाना खा लेते हैं। हेलो, हाय। कल एक्चुअली मैं व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई, चिकन बनाते बनाते मैं इतना टायर्ड हो गई कि मेरा मतलब और व्लॉग कंटिन्यू करने का नहीं हुआ। तो आज नेक्स्ट डे है, तो अभी बज रहा है 12, और मैं थोड़ा कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ, उसके बाद मैं मुझे मतलब कुछ आज बनाना है स्पेशल सिंपल सा, मतलब मैं जैसे बनाती हूँ पनीर बनाऊँगी। एक्चुअली आज हमारे घर पे कुछ छोटा सा प्रोग्राम किया जाएगा, प्रोग्राम इन द सेंस मतलब हम लोग SMS में उसको नाम बोलते हैं, तो कुछ लेडीज़ आएंगे और कुछ मतलब थोड़ा भगवान का मतलब आराधना टाइप इस टाइप से किया जाएगा, तो उसी का हल्का सा प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो आप तो देख ही रहे हैं, पता चल जाएगा, देखिए। और तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ, अंडा फ्रूट्स कमी है, अदरवाइज़ मुझे इसके साथ फिर एक ग्लास दूध दिया जाता है, और दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। किस किस को दूध पीना पसंद नहीं है बताइए, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे एक्चुअली मैंने पहले से मैं दूध ज़्यादा पीती ही नहीं हूँ, लेकिन अभी तो ये कंडीशन में पीना चाहिए, सो इसीलिए कंपलसरी है। हॉर्लिक्स डाल के ले लेती हूँ थोड़ा सा, पर मतलब बहुत कष्ट होता है पीने को,
तो ठीक है, आप देखते रहिए। हेयर सब सूखा भी नहीं है, धूप में बैठने को मिला नहीं टाइम, और बस जाके किचन में थोड़ा सा मेरा फेवरेट आइटम सब था इसीलिए वो सब बनाया, और पनीर तो वो टमाटर के साथ बनाया, मुझे टमाटर के साथ पनीर खाना अच्छा लगता है। और ये हम लोग ढेकिया साग बोलते हैं, पता नहीं दूसरा लैंग्वेज में उसे क्या बोलता है, लेकिन वो भी मेरा बहुत फेवरेट है और उसको मैं जैसे बनाती हूँ मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। बहुत लोग उसमें अंडा भी देते हैं, अंडा देके बनाते हैं, वैसा भी अच्छा लगता है, पर मैं अंडा नहीं देती, मैं बस नॉर्मल जैसा टमाटर प्याज लहसुन और थोड़ा हल्दी नमक वही अच्छा लगता है। सो अभी खा के हो गया तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, जबकि बाल तो गीला है, ऐसे थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, देन थोड़ा देर बाद उठ के खीर बनाना है। सो देखते हैं। जिसने मेरा पहले का वीडियो सब देखा है उनको पता होगा कि मैंने खीर खजूर का गुड़ का खीर मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, दूध जो मैंने अभी उबलने के लिए रख दिया है, और थोड़ा सा जो आपको अच्छा लगे ड्राई फ्रूट्स, और इलायची तेज पत्ता मैं मिक्स करके देती हूँ, थोड़ा सा जोहा चावल और ये खजूर का गुड़, तो ये हम सबसे लास्ट में डालते हैं। इस पे जब आप गुड़ मिला देते हैं उसके बाद थोड़ा सा रुक के फिर उसको वापस गैस के ऊपर रख सकते हैं, और हल्का सा जस्ट 5 मिनट्स के लिए उसको हिला के फिर उतार दीजिए, उसका इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। पता नहीं कैमरे में इतना अच्छे से नहीं आ रहा होगा, पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ फटाफट खीर बना के, और सिंपल सा मेखला चादर पहना है कपड़ा, और चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम। तो अभी मैं खा रही हूँ प्रसाद, और
मैं अपना व्लॉग को एंड कर रही हूँ। होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।